एड्स एक ऐसी बीमारी जिसने कई नौजवानों की जान ले ली है। इस बीमारी के खिलाफ गुलबर्गा शहर में मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जानिब से DHO के साथ कोलैब कर शहर के तिम्बापुरी सर्कल से मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया था। और आज भी कई लोग ये नहीं जानते हैं कि एड्स होता कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इससे किस तरह बचा जा सकता है। लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और कर्नाटका स्टेट एड्स प्रिवेंशन सोसाइटी की जानिब से एड्स के खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। और इसी कैंपेन के तहत गुलबर्गा शहर में मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने DHO के साथ कोलैब कर तिम्मापुरी सर्कल से जगत सर्कल और जगत सर्कल से आनंद होटल से होते हुए रिटर्न तिम्मापुरी सर्कल तक कुल 5 किलोमीटर के करीब मैराथन ऑर्गेनाइज किया था। मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के MD डॉक्टर फारूक मन्नूर हमेशा से अवामी खिदमात के लिए जाने जाते हैं और ये अपने हॉस्पिटल के जरिए ट्रोमा और क्रिटिकल केयर के लिए 24x7 सर्विस देते हुए काफ़ी कम वक्त में कामयाब हुए हैं। रन फॉर एंड एड्स के नाम से मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस मौके पर गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर पर आए मेल और फीमेल स्टूडेंट्स ने खुशी जाहिर की है और मन्नूर हॉस्पिटल के साथ DHO ऑफिस के जिम्मेदारों ने मैराथन की डिटेल बताई है। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गुलबर्गा शहर में मौजूद मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जानिब से DHO ऑफिस के साथ कोलैबोरेशन कर एड्स फ्री अवेयरनेस के लिए यहां पर मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया है। इस मौके पर हमारे साथ DHO ऑफिस के जिम्मेदार यहां पर मौजूद हैं और मन्नूर हॉस्पिटल की टीम मौजूद है, तो हम बात करेंगे किस तरह से ये मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया और क्या शहर को इस मैराथन के जरिए मैसेज देना चाहते हैं। सर, ये मैराथन ऑर्गेनाइज करने की क्या वजह है और क्या मैसेज देंगे आप? ये मैराथन ऑर्गेनाइज करने का मेन मकसद है कि हमारा युवा जो हमारा फ्रेंड्स है उनके दिल में ये HIV के बारे में जो भी ख्याल था वो सही ख्याल उनके दिल में आना और HIV कैसा स्प्रेड होता हो, जो मीन्स है वो HIV स्प्रेड होने का उसके बारे में उनको अवेयरनेस आना, उसके उनके जरिए बाकी लोगों को भी वो अवेयरनेस स्प्रेड करना। HIV आने का जो भी तरीका है, 4 तरीका इम्पोर्टेंट और वो प्रिवेंट करने के जो भी मेथड्स है उसके अवेयरनेस और हमारे मेन यूथ्स में आना, योजन के और उनके थ्रू जो भी उनके फ्रेंड्स है उनके जो भी संपर्क में आते वो लोगों को भी वो अवेयरनेस क्रिएट करना, तो वो मकसद से हम ये मैराथन जाता हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे मन्नूर हॉस्पिटल, हमारे DEPCO यूनिट और सभी हमारा NSS के जो भी डिफरेंट कॉलेजेस के NSS के सिबंदी है सब लोग मिलके ये हम जाता लास्ट ईयर भी कर रहे थे, ये बार भी कर रहे। इसके जरिए मेन HIV प्रिवेंशन का मेन मकसद है, जितना हम ज़्यादा अवेयरनेस करते वो प्रिवेंटिव मेजर्स, HIV को ट्रीटमेंट से ज़्यादा अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है, सो वो अवेयरनेस हमारे मेन यूथ्स में आना, सो उसके लिए हम ये मैराथन जाता के थ्रू अवेयरनेस करना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर शरण बसप्पा गंजलकेट, हमारा कलबुर्गी डिवीजन के हेल्थ डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर। इस एड्स फ्री मैराथन को अवेयरनेस के लिए यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज किया गया है मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर फारूक मन्नूर साहब की टीम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, तो हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से आपने इस मैराथन को ऑर्गेनाइज किया और एड्स फ्री एड्स के ताल्लुक से क्या आप लोग शहर को मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आज ये जो मैराथन मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेशन और DHO के कोऑर्डिनेशन से ये मैराथन ऑर्गेनाइज किए थे, इसका मकसद ये था कि ये रेड रिबन रन था, रेड रिबन रन से हम ये अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं कि एड्स कैसे फैलता है, एड्स को रोका कैसा जाता है, ये हम यूथ के जरिए अवेयरनेस मैराथन थी ये ताकि एड्स को रोका जाए और इस खतरनाक बीमारी को किस तरह से बचा जाए, इस मैराथन से हम ये अवेयरनेस बताना चाह रहे हैं।
मैं थर्ड आई हूँ और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए थैंक यू सबसे पहले, और मैं थर्ड आई हूँ, मुझे फर्स्ट आना था लेकिन हुआ नहीं, फिर भी धन्यवाद थर्ड आने के लिए। और ये प्रोग्राम क्या किए ना हमारे लिए, मतलब फिटनेस के लिए भी अच्छा है और ऐसे कभी कभार होना चाहिए हमारे स्टूडेंट लोगों के लिए और आगे जाने वालों के लिए इंस्पायरेशन होता है ऐसे देख देख के, और लोग भी कुछ कर सकते हैं, मतलब हम भी जाके पार्टिसिपेट करना ये करना बोल के और इंस्पायरेशन मिलता है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೈಲಾಶ್, ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪರ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮು, ನಾ ದಿನ 5 ಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚಂದ್ರಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ದಿನ ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅದು ಆಸೆ ಅನಿಸ್ತದ, ನಾ ದಿನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತ ನನಗು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಾಡ್ ಚಿಡ್ತಿರು, ಇವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಇವ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಅಂತಿರು, ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚದ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ವಪ್ನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವೊಂದು ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಿ ಒಂದು ಕೋಚ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಮತ್ತೀಗ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಿಸಲೇಕ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ನಾವು ದಿನ ಒಂದು ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂಬೋದು ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಇನ್ನು ನಾ ಚಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಭೀ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತದ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಭೀ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾಗರ, ಮೈ ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕುಪೇಂದ್ರ, ಎಸ್ ಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಿ ಎ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೋದಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದು. ನಾವು ಡೈಲಿ ಓಡ್ತೀವಿ ರೀ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಮೈ ಕಮಲಾಪುರ್ ಶಾಯ್ ಇದರ ಅಮ್ಕೋ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇ ಹಮಾರ ಗಾಂವ್ ಮೇ, ಇದರ ತೋಡ ಇಸೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ತೋಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದರ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದರ ಆಯ ಅವ್ರ ಇಸೈ ತೋಡ ಟೈಮಿಂಗ್ನು ಜಾದಾ ಆದ್ಮೀರ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಬಂದಿವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ದೇವ್ ರೀ. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತು. अभी तो बहुत खुशी हो रहा है और मेरे पप्पा भी साथ थे, वो तो मेरा स्ट्रेंथ है. पहली बार रन कर रहे हैं कि रेगुलर? मैं रेगुलर हूँ. कहाँ पे प्रैक्टिस है? यहाँ पे स्टेडियम रोड पे. रेगुलर करे तो हेल्थ को भी रहता और स्पोर्ट्स में भी आगे जाता, वो तो है. और पेरेंट्स साथ भी रहना,